नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान के बीच कोविड-19 के नए मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 16,838 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 113 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल कोरोना के 1,11,73,761 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,57,548 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब बढ़कर 1,76,319 हो गई है। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,08,39,894 है। आपको बता दें, देश में अब तक कुल 1,80,05,503 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में करीब 20 राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। वहीं महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में लगातार कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए कुल नए मामलों में इन राज्यों का योगदान करीब 86% है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 8,998 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, 18 अक्टूबर के बाद महाराष्ट्र में एक दिन में दर्ज की गई कोविड संक्रमित रोगियों की ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 18 अक्टूबर को महाराष्ट्र में 10,259 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र के अलावा पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना के 2,616 नए मरीज मिले हैं। वहीं पंजाब में गुरुवार को नए मरीजों की संख्या 1,000 के पार चली गई है, जो कि पिछले 5 महीनों में नए मामलों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पंजाब में गुरुवार को 1,074 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन नए मामलों में जालंधर के 87 स्कूली बच्चे और लुधियाना के 6 शिक्षक भी संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में प्रशासन अलर्ट पर है। इससे पहले बुधवार को केरल में 2,765 और पंजाब में 772 नए मामले सामने आए थे। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 261 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान एक मरीज की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 143 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 6,40,182 पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली में अब तक कोरोना से 10,915 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं पंजाब में भी कोरोना के नए मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। यहाँ गुरुवार को 1,074 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 15 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 5,887 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,73,230 मरीज ठीक हो चुके हैं। पंजाब में अभी सक्रिय मामलों की संख्या 6,264 है। पिछले 7 दिनों में पंजाब में कोरोना के 5,022 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना टेस्टिंग की बात करें तो ICMR के मुताबिक देश में गुरुवार तक कोरोना वायरस के लिए कुल 21,99,40,742 सैंपल की टेस्टिंग की जा चुकी है। इनमें से 7,61,834 सैंपल की टेस्टिंग गुरुवार को की गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।